चोरों को भी चुराने के लिए कुछ भी मिल जाए वो उसको चुरा ही लेते हैं, चाहे वो उसके वजन से भी कई गुना ज्यादा वजनी चीज ही क्यों ना हो। कुछ लोगों को दूसरे का माल मारकर कारोबार करने की आदत होती है। तभी तो नगीना का एक युवक बिशन उत्तराखंड के देहरादून के अपने मालिक सुमित कुमार की जेसीबी ही चुरा लाया, लेकिन नगीना पुलिस ने उसे पकड़ लिया। सीओ अर्चना सिंह ने मीडिया को बताया कि काफी दिनों पहले नगीना का रहने वाला ये युवक उत्तराखंड से एक जेसीबी अपने मालिक को बिना बताए नगीना ले आया। उसके मालिक ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद नगीना पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी। सीओ ने बताया कि आज चोर को जेसीबी समेत गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे जेल भेजा जा रहा है। फ्रेंड्स, हुई है पूरा मामला क्या है? ये सुमित कुमार हैं, देहरादून निवासी। इनकी जेसीबी थी जिसे विशन उर्फ गुरविंदर थाना बड़ापुर का निवासी है वो चलाता था, और वो उनकी जेसीबी लेकर के ऋषिकेश आ गया। जो उसके साथ हेल्पर था उसको उसने वहीं उतार दिया और बिना अपने मालिक को बताए वो जेसीबी लेकर के नगीना क्षेत्र में आ गया। इसके द्वारा अपने मालिक से अपना नाम पता भी गलत बताया गया था, और इसने अमानत में खयानत करते हुए अपने मालिक की जेसीबी ले आया था, जिसको पुलिस ने बूढ़ा वाली चुन्नी के पास पकड़ लिया है। जेसीबी बरामद हो गई है, मुलजिम गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है।